हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। ये वीडियो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है जिसे हर गार्डनर एक ना एक दिन ज़रूर फेस करता है, और इस प्रॉब्लम का नाम है मिली बग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे जो भी मेरा न्यू वीडियो अपडेट होगा आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्या आपने नोटिस किया है कि आपके प्लांट में कुछ वाइट स्नो जैसा या कुछ व्हाइट स्पॉट जैसा अपीयर हुआ है? तो ये मिलीबग का अटैक है। मिलीबग सॉफ्ट बॉडीड विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली हमारे प्लांट्स में अपीयर होते हैं। ये प्लांट में लीव्स और स्टेम्स के जो सैप होते हैं उसको सक करते हैं, और इससे रिजल्ट ये होता है कि लीफ का जो ग्रोथ होता है डिफॉर्म्ड ग्रोथ होता है, और जो लीव्स होते हैं येलोइश होके ड्रॉप हो जाते हैं। बट देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। हमें अपने प्लांट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है। इफ़ मिलीबग्स का अटैक है और हम अर्ली इसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है रिमूव करने के लिए। हम अर्ली डिटेक्शन से इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं रादर देन कि फुल ब्लोन अटैक हो जाए। और इन केस हैवी मिलीबग अटैक है देन इट्स बेटर कि हम उस प्लांट को ही डिस्कार्ड कर लें, क्योंकि ये नियर बाई प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि मिलीबग्स कहाँ से आते हैं? तो इसका आंसर सिंपल ये है कि वो कहीं से भी आ सकते हैं, बट जो कॉमन कॉजेज़ हैं, नंबर वन न्यू प्लांट्स। जब हम न्यू प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो ये मे बी ये इन्फेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम पेस्ट, तो हमें हमेशा इसे क्वारंटीन करके ही अपने प्लांट्स के साथ ऐड करना चाहिए। सेकेंड बिगेस्ट रीज़न है एंट्स। एंट्स मिलीबग्स को हाउस प्लांट तक लेके आते हैं जिससे ये हनी ड्यू रेसिड्यू को फीड कर सकते हैं जो कि ये बग्स बनाते हैं। और आपको एंट्स कॉमनली उस प्लांट में ज़रूर दिख जाएंगे जहाँ पे मिलीबग्स हैं, क्योंकि प्लांट्स में एंट और मिलीबग्स एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें मिलीबग्स उन्हें हनी ड्यू रेसिड्यू प्रोवाइड करता है और एंट उन्हें एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड रीज़न जिससे मिलीबग्स कॉमनली प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो है ओवर वाटरिंग या फिर उसे ओवर फर्टिलाइज करना। ना हाउ टू कंट्रोल मिलीबग इन्फेस्टेशन। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम मिलीबग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट, जब कभी भी आप अपने प्लांट में मिलीबग को स्पॉट करते हैं तो इमीडिएटली प्लांट को क्वारंटीन कर लें। सो फर्स्ट है प्रूनिंग। अगर आपके प्लांट में बहुत हैवी इन्फेक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही वो मिलीबग से इन्फेक्टेड है, देन इट्स बेटर ऑप्शन टू प्रून दैट स्टेम। इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इनफैक्ट वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर लेगा। सेकेंड मेथड है एल्कोहल स्वैप्स। ये भी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे है जिससे हम मिलीबग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज एल्कोहल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते ही ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स मर जाते हैं। हमें सिंपली कॉटन बॉल्स लेकर एल्कोहल में डिप करना है और विजिबल मिलीबग्स के ऊपर इसे टैप करना है। थर्ड मेथड है यूजिंग नीम ऑयल, जो कि एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है और इजीली एक्सेसिबल भी है। ये ऑर्गेनिक के साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोलर भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे प्लांट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इन केस आपके पास नीम ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ नीम लीव्स लेकर उसे बॉयल करके देन उसे ठंडा करके भी डायरेक्टली प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि नीम ऑयल। फोर्थ है हमारा अपना होममेड स्प्रे, जिसे हम किसी भी शैम्पू सोप या डिटर्जेंट पाउडर के थ्रू बना सकते हैं। तो सिंपली हमें 1 ml ऑफ शैम्पू सोप या 1 spoon ऑफ डिटर्जेंट पाउडर लेकर उसे 1 liter ऑफ वाटर पे डाइल्यूट करना है और इसे प्लांट में अच्छे से स्प्रे कर देना है। आप स्प्रे करते समय लीव्स के नीचे, फोल्ड्स में, जॉइंट में, इवन एवरी पॉसिबल प्लेसेस जहाँ मिलीबग्स छिप सकते हैं। उसके बाद हाफ एन आवर में प्लांट को हम रिंस कर देंगे जिससे कि हमारे प्लांट को कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो ये थे कुछ मेथड्स जिन्हें मैं पर्सनली एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने प्लांट्स पे।
तो मिली बग से तो पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है और ये प्रोसेसेस भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं। तो मेरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं आपको इतना ही जस्ट एडवाइस करूँगी, आप इन सब मेथड्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें और बिना थके अपने प्लांट के रेस्क्यू में लग जाएं। आप ये प्रोसेस को एक बार अप्लाई करके, जस्ट वन स्प्रे करके, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये एक बार में ही डिसअपियर हो जाए। ये बहुत ही लंबा चलने वाला प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है टू किल द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मिली बग्स। तो हैव पेशेंस, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। होपिंग द बेस्ट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को ज़रूर 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 से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।